हेलो मरियम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, शायद आपके माइक में प्रॉब्लम है। हेलो, नहीं आप मेरी आवाज़ नहीं, आपको मेरी मेरी आवाज़ आपको ओ सो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ओके ओके, तो हाँ हम लोग शुरू करते हैं। ओके इट्स ऑल राइट। तो हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी, और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक पेयर चाहिए। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी तभी होगा जब वो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तभी उसका सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी किसी पेयर किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस का ही होगा। तो सबसे पहला जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो ये क्या होता है, दो चार्जेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है आर। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, किसी को याद है? Q1 Q2 by R something. बिल्कुल करेक्ट, के Q1 Q2 बाय आर। और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो ईच कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लेना पड़ेगा, यानी जो टोटल यू होगा वो होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड प्लस U1। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में कोई चार्ज, अगर एक्सटर्नल फील्ड में है, इन एक्सटर्नल फील्ड, तो मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और कोई पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज का फिर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? तो ये देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल होगा, है नहीं? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सिंपली क्यू वी होगा। क्लियर? यस सर। उसी तरीके से अगर टू पॉइंट चार्जेस हैं, टू पॉइंट चार्जेस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा पोटेंशियल? तो मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा V2, ठीक है? तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Q1V1 प्लस Q2V2। अब कोई और चीज हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? थिंक सो। अभी इनके बीच का भी तो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ओ हाँ,
तो ये जो होगा, मान लीजिए सेपरेशन आर है, तो ये होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो ये हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और डायपोल का तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, तो वो सिंपली होता है माइनस पी डॉट ई। टॉर्क क्या होता है आपका? पी क्रॉस ई। और पोटेंशियल एनर्जी होता है पी डॉट ई। और नोट क्या रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड होता है वर्क डन से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है वर्क डन, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये होगा आपका डन। इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होता है, सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। ये आप लोग नोट कीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप लोगों ने नोट कीजिए, कर लिया होगा, मुझे बताइए। सर मैंने नोट कर लिया था। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर।
ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं इन सब पे। तो ये तक तो हमने कर लिया था, ये फिफ्थ सिक्स्थ फिफ्थ कहाँ है? अच्छा, फिफ्थ किया था, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। चलो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो नेक्स्ट ही वाला है। ओके, सो थ्री ये क्या है? नैनो कूलम। थ्री नैनो कूलम चार्ज क्यू इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अनदर चार्ज। फाइव नैनो कूलम फिक्स्ड एट द ओरिजिन। द चार्ज क्यू इज मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू टू अ न्यू पोजीशन। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज हाउ मच? राइट, तो यहाँ पे किससे रिलेट करना है हमको? हमें निकालना है वर्क डन, है नहीं? तो एक चार्ज है, इनिशियल केस क्या है? इनिशियल केस है कि दो चार्ज है, एक है आपका थ्री नैनो कूलम और दूसरा है फाइव नैनो कूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। और दूसरा केस है, फाइनल केस क्या है कि अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ गया, यानी थ्री नैनो कूलम और फाइव नैनो कूलम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि क्या होगा इसका वर्क डन। ओके, तो क्या आइडिया लगाएंगे आप लोग, थोड़ा बताइए। U final minus U initial is equal to work done वाला। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वर्क डन जो होगा वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यू इनिशियल वो कितना होगा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर, यानी ये आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? थ्री इंटू 10 टू द पावर -9 एंड फाइव इंटू 10 टू द पावर -9 और नाइन इंटू 10 टू द पावर 9, और ये आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये कितना आ गया? 10 टू 10 टू द पावर -1, एक 9 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर -1। ये -19 क्यों लिख रखा है? तो ये आ गया -9 और ये -1 ऊपर चला गया तो हो गया +1, यानी ये आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर -8, यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल्स। ये इतना आ गया। दूसरा जो होगा इस केस में क्या होगा? यू फाइनल जो होगा वो होगा थ्री अगेन 15 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -9 और 9 इंटू 10 टू द पावर -9 +9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 15 तो कैंसिल हो गया और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया? ये आ गया सिंपली ये 9 कैंसिल और एक 9 है यहाँ पे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -9 +2,
यानी 9 × 10⁻¹। ठीक है, ये सब तो ये बढ़ कैसे गया? ये बढ़ कैसे गया? यहाँ पे 9 एक और है ना, 9 यहाँ पे तो है भाई, क्योंकि ये 9 × 15। ठीक है, तो ये 9 एक और है, × 9 है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो होगा वो होगा डेल्टा यू, यानी 9 × 10⁻¹ माइनस ऑफ 9 × 1.5 × 10⁻¹। तो 9 × 10⁻¹ तो कॉमन, ये आ गया 1 − 1.5, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.5 − 0.5 × 9 × 10⁻¹, यानी आ गया ये 4.5 − 10⁻¹ जूल्स। और यहाँ पे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव ले रखा है, तो ये आ गया 4.5। हाँ, −7 होना चाहिए यहाँ पे, इसका आंसर भी नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? −7 होना चाहिए। ये नहीं, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ये ओके ऑप्शन ए। ये क्लियर हो गया आप लोग को? ओके, यस सर तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आंसर नोट कर लीजिए। ओके डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मरियम का डिस्कनेक्ट हो गया।
Yeah, whenever you have notated down, please tell. Oh, what happened? Done, sir. Done. Okay, so let us do the next question. Okay, so the next question is, what is the amount of work done in moving a point charge around a circular arc of radius r at the center of which another point charge is located? Right, so what is the amount of work done in moving a point charge around a circular arc of radius r at the center of which another moving charge is located? So what we are doing is that, right, we have a point charge, let's say Q1, and this is Q2, and this is moving in a circle, right? So what would be the work done? What would be the work done? That would be the change in potential energy. So let's say that this radius is r, right? This is A point, and we take it to this B point, right? So we take it to the B point, and in here, this is Q. So potential energy of A point, that would be how much? Q1, Q2 by R, KQ1, Q2 by R. Yeah, KQ1 Q2 by R, and UB would be how much? The same. Same, right? So if we calculate the work done is simply final position is UB minus UA. So that would be same, right? So that would be zero. Yeah. So yeah, the answer is zero. So this is a one mark question, right? These kind of question are one mark question. It's easy, but like when you read the question, it looks like difficult. Yeah. So that is why you have to read the question many a times, right? Yeah, please note it down, the question and the answer, and then we'll do the next question. Okay, sir.
डन डन। ओके सो या नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टू पॉइंट चार्जेस दीज एंड दीज आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट राइट। सो इनिशियली व्हाट डू वी हैव टू पॉइंट चार्जेस एंड दिस इज क्यू वन माइनस क्यू टू एंड दे आर डिस्टेंस अपार्ट। सो वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली एंड दैट इज माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर राइट। And now the final condition is what? So final case is that you have again the same charges, but you are putting an external another charge Q3 at the center. So this is R by 3 and not R by 3, R by 2 and R by 2. And then what is the potential energy, right? So what would be the potential energy of this thing? of Q3. So there would be two contributions, right? Yeah. Actually, there would be three contributions, right? So yeah, so if we calculate the potential energy. So one would be due to Q3, Q1, and then Q3, Q2, and then Q1, Q2, right? So then what would be the final potential energy? So that would be K. This is minus. So Q2, Q3 divided by R by 2, right? And then this other would be minus K Q1 or Q3 and oh, so this is, yeah, this is Q1. And this is Q3 and minus Q2 divided by R by 2. And then the other potential energy would be the same, minus K1 Q2 by R, right? Yes. So if we calculate, the work done, so that would be U final minus U initial, right? So that would be how much? So that would be, this part will cancel, right? This Yes. part will cancel and we will have so we will have this 2k q1 q3 divided by r plus 2k and minus right minus 2k q2 q3 divided by r. So we can take 2k and Q3 by R common, and this is Q1 minus Q2. So this is 2 by this is 4 pi epsilon naught R, and then this is how much Q3 and Q1 minus Q2. So that would be 1 by 2 epsilon naught. Oh, there are okay. So this option, right? 2Q3 C1. Right. So, yeah, let us write in this form only. So, 2Q3 and 4 pi epsilon. So, this would be the work done, right? Clear? Yes. Now they are asking that at what distance from charge Q1, right? The line joining two charges will this work done would be zero. So now we are not placing this charge at the center, right? Placing this charge at some
arbitrary point, right? Initial potential energy is same. Now we are placing this thing at some distance, let's say x. So this would be r minus x. This is q3, and this is q1, this is minus q2, right? So now again, final potential energy would be, this would be k q1 q3 by x, and minus k q2 q3 by r minus x, and plus again minus minus k q1 q2 by r, right? Is it clear? Yes, sir. So work done would be u final minus u initial. So this would be, again, this part will cancel and only this part will survive. So k q1 and q3 by x minus k q2 q3 by r minus x, right? So then now the work done is zero. They are saying that the work done is zero. So this is zero, right? So then we take this k and q3 common, and this becomes q1 by x minus q2 by r minus x. This is equals to zero. This goes in the other side. So we have q1 minus x by q2 r minus x equals to zero. We take it the other side, so this becomes q1 by x equals to q2 by r minus x. And what is the thing that we have to calculate? The distance will be zero. Yeah, x, we are solving for x, right? Yeah. So this multiplies in here, q1 r minus x. This multiplies there, so x q2. So we have q1 r minus q1 x equals to x q2. So that thing goes the other side, q1 r becomes, I will directly write, x q1 plus q2. So x is q1 by q2 and then r, right? So r. So this would be the answer. Is it matching? Yeah. Oh. Okay, what did we do? R Oh, will so. be in the numerator, right? Yeah. So this is in the numerator, R. So Q1 by, yeah. So there is a mistake in this part, right? There has to be a Q1. Right. And yeah, so this thing, how we can say that we are correct and this is wrong? How can we say that? Can you tell me? Any idea? I don't know, because we calculated. Okay. So in 11th class, the first chapter that you studied, right? The most important chapter, dimensional formula, right? Oh. So you see that this is x. X is a distance, right? R is a distance. Q is a charge. So in the right hand side, r by q1 plus q2, that will have a dimension of L by charge. Right. So they are not dimensionally correct. They are not equal. Okay. Yes. Yeah. So then this is wrong. Now in here, now let us check our answer. So in this one, this charge and this charge will cancel and you will have only L. So yeah. So this is dimensionally correct also. So yeah, please note down this thing. And is this clear to you? Is this question clear? Yes, sir. Okay, then please note it down.
Yeah, whenever you want me to scroll down the screen, please tell me. So can you scroll down? Yes. सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या बचा है। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ये है, और पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस, सो जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम लोग फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, और कोई भी आपको, हाँ कोई भी आपको कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट हो, या आपको कोई डेरिवेशन में कोई डाउट हो, तो प्लीज मुझसे कहिए। आपके स्कूल में ठीक कौन सा है। चैप्टर कर रहे हैं? एसी अल्टरनेटिंग ये सिक्स्थ करंट्स वाला जी। चैप्टर कर रहे हैं। ओके। तो हमें जल्दी जल्दी ये
इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो। अब ओके तो क्वेश्चन तो अब आपको क्वेश्चन का आइडिया समझ में आ गया ना, कि हमें बस एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए और बस ये क्वेश्चन बार बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ओके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो फोर्स तो आपने कैलकुलेट किया ही होगा, है कि नहीं? ये चार चार्जेस हैं और फोर्स निकालना कहाँ? ऑन चार्ज क्यू। अरे कौन सा चार्ज क्यू पे? अच्छा कोई सा भी चार्ज क्यू पे। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके तो मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है और कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइएगा। कितना कंट्रीब्यूशन होगा? मुझे समझ नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यों निकालना है, मीनिंग इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो इस पे जो फोर्स होगा उसमें कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे? मान लीजिए इसको नाम रख देते हैं ए बी सी डी, तो कितने कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे? आई गेस 3 कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे फ्रॉम बी सी डी सबसे। तीन कंट्रीब्यूशन होंगे। एक तो कंट्रीब्यूशन इसका होगा, वो होगा इस तरफ। एक कंट्रीब्यूशन इसका होगा, वो होगा इस तरफ। एक कंट्रीब्यूशन इसका होगा, वो होगा इस तरफ, है नहीं? यस सर। और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ डी और एफ बी का, वो सेम डायरेक्शन में होगा, एफ बी डी, है ना? तो एफ बी यस निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे और उनका जो ये होगा एफ बी डी जो होगा वो क्या होगा? एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर रिजल्टेंट, राइट? जी और फिर जो एफ ए होगा वो होगा एफ एफ सी प्लस एफ बी डी, क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा आपका टोटल फोर्स। लेकिन ये तो हमने किया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में, तो ये तो मैं छोड़ देता हूँ, आप ये कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है सर। कीजिए तो आपको आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में दो कंट्रीब्यूशन आता है नहीं? जी तो हमें पेयर्स लेना है, तो सबसे पहला पेयर्स हम इसको चूज करते हैं पॉइंट ए पे। तो एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और ये हो गया। तो ए पे तीन कंट्रीब्यूशन, फिर हम ये वाला पॉइंट चूज करते हैं बी वाला, इस पे जो है क्योंकि हमने ये वाला तो काउंट कर लिया है नहीं, ये वाला काउंट कर लिया है, तो बाकी बचा ये, इन दोनों के बीच, बी और सी के बीच, और फिर बचा ये, है नहीं? और ये तो काउंट कर ही जी लिया, तो डबल डबल काउंट नहीं करना है। इन्हीं इस पे बचे हुआ टू कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम सी पे, तो सी पे जो है कितने कंट्रीब्यूशन होंगे? एक तो ये हो गया इन दोनों के बीच, है नहीं? और बाकी सब हमने काउंट कर लिया है, सी और बी के बीच, सी और ए के बीच, तो सी पे है एक कंट्रीब्यूशन।
यानी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें कितने कंट्रीब्यूशन होंगे, उसमें होंगे 6 कंट्रीब्यूशन, है नहीं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए का कंट्रीब्यूशन। ए का जो है सबसे पहला है के क्यू क्यू बाई ए, और ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये जो डायगोनल होगा √2a, है नहीं? इस डायगोनल को लिख लेते हैं, या इसे लिख लेते हैं, ए बी जो है ए सी और बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू √2a। ये पाइथागोरस थ्योरम से आगे, क्योंकि ये ए है ये है, तो ये √2a। ओके अब अच्छे इसको सही ढंग से लिखते हैं, इसको सही ढंग से लिखते हैं, इसको लिखते हैं के क्यू क्यू बाई ए बी, ठीक है? फिर लिखते हैं के क्यू क्यू बाई ए सी, क्योंकि ए से काउंट कर रहे हैं तो इससे आसानी रहेगा समझने में। फिर के क्यू क्यू बाई ए डी, ये आ गया 3 कॉन्ट्रीब्यूशन ए का। फिर बचा के क्यू क्यू बाई बी सी, फिर बचा के क्यू और क्यू बाई बी डी, और लास्ट में बचा सी का कंट्रीब्यूशन, के क्यू एंड क्यू डिवाइडेड बाई सी डी। हो गया सारा? हाँ ओके, तो ये हम लिखते हैं अब इसका के क्यू क्यू ए बी तो था ए, के क्यू स्क्वायर ये था आपका √2a, और के क्यू क्यू और ए डी था ए, और के क्यू क्यू ए बी सी था √2a, और के क्यू स्क्वायर और बी डी था ए। बी डी ए ही था ना? नहीं, बी डी था √2a। ओ, बी सी था ए, बी सी है ए, बी सी है ए और ये है √2a, क्लियर? और सी डी बच गया लास्ट में, सी डी बच गया, तो ये है के क्यू क्यू बाई ए। तो हमारे पास कितने हैं, के क्यू क्यू के क्यू क्यू के क्यू क्यू के क्यू क्यू, तो ये हो गया 4 के क्यू क्यू बाई ए, और ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई √2a, और ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई √2। ठीक है, तो ये इतना आंसर। अब इसको जो रूट है उसको डिनोमिनेटर में अगर न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, ये 4 और के और क्यू क्यू बाई ए, और ये आ जाएगा 2, टू नहीं √2, तो ये आ गया √2/2a के क्यू स्क्वायर, और ये आ गया √2/2a के क्यू स्क्वायर, क्लियर? यस ये तो आंसर हो गया, इन्होंने क्या लिखा है आंसर, अच्छा इसी टाइप का आंसर है, नहीं यही आंसर है। तो ये है क्यू स्क्वायर बाई √2a, क्यू स्क्वायर बाई √2a 4kq, तो ये बी ऑप्शन, ये मतलब ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। क्लियर हुआ ये आपको? जी सर ओके, ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा और फोर्स आप प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा, फोर्स कैलकुलेट कीजिए।
कैन यू स्क्रॉल डाउन? डन सर। Done. Okay, so let's do the other questions, right? Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, क्यू वी होता है, और अगर दो चार्जेस है तो अलग अलग होता है, तो वही आइडिया लगाना है। और क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास दो चार्ज, और दोनों चार्ज है क्या है, एक है 7 माइक्रो कूलम और दूसरा है -2 माइक्रो कूलम। और तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पे अच्छा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, विथ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट, ये वाला जो प्लेस है वो है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 बाई 100, 0.0। और ये जो प्लेस है वो है 9 बाई 100, 0.0, यानी ये एक्स एक्सिस पे है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, राइट? क्लियर। यस सर। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सिंपली क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो ये कितना आ गया, ओके, ये नाइन कितना आ इंटू जाएगा, 9 × 10⁻⁹ एंड 7 × नाइन 10⁻⁶, −2 × 10⁻⁶, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 18, राइट, 18 बाय 100। तो यानी 18 × 10⁻², क्लियर? क्योंकि यहां से यहां तक 9 होगा, 9 बाय 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 बाय, ओरिजिन यहाँ पे 0, 0, 0 यहाँ पे बीच में कहीं, यहाँ से यहाँ तक 9 बाय 100, यहाँ से यहाँ तक 9 बाय 100, तो टोटल 18 बाय 100। अब ये 9 और ये 2, 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, −7 × और ये हो गया 9 − 6, −3 होगा, 3 होगा, और ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 − 3 − 6 + 2, यानी ये आ जाएगा −7 × 10⁻¹, यानी 0.7 − 2। क्लियर? अब हमें निकालना है इसका जो ए पार्ट है, बी पार्ट ये निकालना है कि वर्क डन कितना होगा इन दोनों को बिल्कुल इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए है।
ये तो हो गया हमारा इनिशियल, इसको मान लीजिए इनिशियल कितना है, -0.7 है। और जब हम इंफिनिटी पे पहुंच जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, जीरो, जीरो जीरो हो गया। तो अगर हम वर्क डन निकालें तो वो क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी जीरो माइनस ऑफ -0.7, यानी 0.7 g। क्लियर। यस सर। और सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है कि सपोज द सेम सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड 1/r² इज इतना, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन बी। तो हमें निकालना है कि हमें क्या निकालना है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो पोटेंशियल जो होगा, अब ये हमारे पास Q1 Q2 है और इनके बीच का जो भी सेपरेशन है, लेकिन ये जो है ये प्लेस्ड है आपका किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है और वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है a 1/r², यानी a/r² है। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सिंपली क्या आ जाएगा, हम पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस ई डॉट डी आर और डिवाइडेड बाय आपका इन्फिनिटी टू आर पॉइंट, यही होता है। यस अब इससे हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा माइनस पोटेंशियल उन्होंने दे रखा है a/r² dr, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/r² को इंटीग्रेट करेंगे, यानी r-2 को करेंगे तो क्या है, r-2+1 -2+1, यानी कितना आ गया, r-1 -1, यानी आ गया ये -1/r। क्लियर। तो ये आ गया माइनस ऑफ -a/r और लिमिट है आपका r→∞। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया a/r r→∞। तो एक बार रखेंगे a/r और दूसरी बार रखेंगे a/∞, ये तो जीरो हो गया। तो सिंपली जो पोटेंशियल आ गया आपका वो आ गया a/r। क्लियर। अब हम ये पोटेंशियल क्यों निकाल रहे थे, पोटेंशियल निकालने का मकसद ये था क्योंकि जब हम निकालेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगा आपका पोटेंशियल पे, यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Q1 V1, Q2 V2 जी और इन दोनों के बीच का, राइट। अब जरा हम निकाल लेते हैं Q1 V1, क्योंकि ये तो पता है हमें, ये हमने निकाला है -0.7, राइट। तो हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपका Q1 V1 जो कि कितना है, Q1 है आपका कौन सा पॉजिटिव है कौन सा जीरो नेगेटिव, पॉइंट सेवन 7 7 माइक्रो कूलम, 7 माइक्रो कूलम, और V1 है आपका a/r, r, राइट। यस और r1 कितना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है r1 का वो है -9/100, 0 0, राइट। तो ये आ जाएगा सिंपली r1 जो होगा √x² y² z²,
लेकिन ये तो सिर्फ यही है, तो वो 9/100 ही आएगा, है नहीं? तो ये आई गेस 7 × 10⁻⁶, ए का वैल्यू भी इन्होंने दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 9 × अरे ये सेंटीमीटर, अच्छा ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो 9 × 10⁵, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻², ये नाइन कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 7 × ये आ जाएगा 7, तो 10⁻⁶ प्लस 7, तो ये आ गया आपका कितना 7 × 10, यानी 70 जूल्स आ गए, क्लियर? अरे इतना बड़ा आ यस रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैं? 9 × 10⁻², 7 तो ही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर इतना बड़ा है क्या आंसर? अच्छा हाँ 49 ये सब है, तो है इतना बड़ा आंसर, चलिए। दूसरा जो टर्म है, सेकेंड टर्म है, वो है आपका Q2V2, यानी Q2 है −2 × 10⁻⁶, राइट, और आपका V2 हो गया a/r, तो ये भी सेम ही है, तो ये आ गया −2 × 10⁻⁶, 9 × 10⁵, और ये है आपका 9 × 10⁻², तो अगेन ये कितना आ गया 18, अच्छा ये 9 9 को कैंसिल कर देते हैं, और ये आ जाएगा आपका −2 × 10⁻⁶ प्लस 7, तो ये आ गया आपका −20 जूल्स, ठीक है? तो अब हम निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो आ गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यानी फर्स्ट टर्म है आपका 70 − 20 −0.7, तो ये आ गया 70 − 20 = 20.7, ये आ गया 0.3, ये आ गया कितना आ गया 9, और ये आ गया आपका 49.3 जूल्स, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, इनका कितना आ रहा है 49.3, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है, ये क्लियर हुआ आपको? जी सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का आता है, कि 2 पॉइंट का चार्ज, फिर वर्क डन, और फिर एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, तो ये प्लीज नोट कीजिएगा।
सर कैन यू स्क्रॉल डाउन? यस यस श्योर।